हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में और फिर हम वैल्यू निकालेंगे जो पूछ रखा है इसने। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है क्वेश्चन में, जो हमें पूछा है वही हम एक्स और वाई मान लेंगे। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हम क्या मान लेंगे, एक्स, और स्पीड ऑफ करंट क्या मान लेंगे, वाई। तो इतना काम तो हमने कर लिया, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट इज वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब जब वो नीचे की ओर जाती है, ठीक है, पानी में जब वो नीचे की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड, तो वो कितना करती है डिस्टेंस, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, ठीक है, जब वो नीचे की तरफ जाती है। और अपस्ट्रीम मतलब जब वो ऊपर की ओर आती है तो 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, ठीक है। तो हमें बताना है, अब ये बताओ जब हम पानी में नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक तो हम खुद से जा रहे हैं और एक पानी की वजह से, तो हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस कर रही है ना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर चली जाती है। और जब हम ऊपर की आ रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं 2 घंटे में, वो 4 ही किलोमीटर जाती है, क्योंकि ऊपर की ओर आने में हमें तैरना आना चाहिए, हमें अपना फोर्स लगाना पड़ेगा तभी हम ऊपर की तरफ आएंगे ना, नीचे तो हम ऑटोमेटिकली जाते जाएंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाएंगे तब हमारी स्पीड ऐड हो जाएगी। एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको याद करने की, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे डाउनस्ट्रीम तो हम ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे ना, तो इसलिए स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। और अगर हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ आने में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम आराम आराम से आएंगे तो हमारी स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक ट्रिक है ये याद करने की, ऐसे याद कर सकते हो आप, तो स्पीड वाइल रोइंग अपस्ट्रीम, जब हम ऊपर की आ रहे हैं, अपस्ट्रीम आ रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी स्टिल वाटर माइनस वाली करंट की, तो क्या होगी, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउनस्ट्रीम तो दोनों स्पीड ऐड होगी, तो वो खुद से जा रहा है और एक फ्लो की वजह से जा रहा है ना, जो पानी है उसके बहाव के कारण जा रहा है नीचे, तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, तो वो डबल स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई हो गई, ठीक है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये दोनों की स्पीड होगी। इसके बाद हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो स्पीड तो हमने ले ली, तो हम सबसे पहले देखो दो कंडीशन दे रखी है आपके पास, एक डाउनस्ट्रीम की है एक अपस्ट्रीम की है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले डाउनस्ट्रीम वाली इक्वेशन लिख ली, डाउनस्ट्रीम में इसकी देखो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 20 और डिवाइड में 2, ठीक है। और स्पीड के इक्वल आएगा, स्पीड देखो डाउनस्ट्रीम में कितनी है, एक्स प्लस वाई, तो इसलिए हो गया स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दी हमने, डाउनस्ट्रीम वाला केस है ये, ठीक है। डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर हम दूसरी लिखते हैं अपस्ट्रीम वाली, अपस्ट्रीम वाली में देखो स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। डिस्टेंस देखो कितना है अपस्ट्रीम में, 4 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो डिस्टेंस आ जाएगा 4 और टाइम नीचे आ गया 2 आवर्स। बस इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है बिल्कुल ही इजी है। इसके बाद देखो इसको आगे सोल्व करना है, ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको कट कर सकते हैं, कट हो रहा है ये, हो गया कट, हो गया 10, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 10 के, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 2 के, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन लगा रही हूँ मैं फिर से, x प्लस वाई किसके इक्वल है 10 के और x माइनस वाई किसके इक्वल है 2 के, बताओ दोनों के कोफिशियंट अलग अलग हैं, मतलब माइनस साइन चेंज है ना और कोफिशियंट सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 2x और इक्वल टू में ये ऐड हो गया कितना हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइड में 2 कितना आ गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू को हम कहीं पे भी पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दिया मैंने x की वैल्यू को, x की वैल्यू 6 प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 6, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी थी, इसका मतलब स्टिल वाटर में स्पीड कितनी उसकी 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इतना ही करना आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे आप नोटबुक में ये सब, ठीक है। इसके बाद देखो पार्ट सेकंड देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश
एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। देखो, दो वुमेन और 5 मैन इस काम को कितनी देर में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। और 3 वुमेन और 6 मैन उस काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। हमें बताना है कि एक वुमेन अलग काम करने में कितने टाइम लेगी और एक मैन अलग से काम करने में कितना टाइम लेगा। मतलब सिर्फ एक वुमेन कितना टाइम लेगी और सिर्फ एक मैन कितना टाइम लेगा। तो हमें जो निकालना होता है, सबसे पहले हम वो कंसीडर कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि टाइम टेकन बाय वुमेन, एक वुमेन कितना टाइम लेती है, एक्स डेज ले लिया हमने, एक्स दिन में काम करती है, ठीक है। और मैन कितने दिन में काम करता है, वाई दिन में काम करता है। तो ये तो हमने मान लिया जो निकालना था। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है 2 वुमेन और 5 मैन कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एक वुमेन कितने दिन में काम करती है, एक्स दिन में काम करती है। हम काम देखते हैं कि वो एक दिन में कितना काम करती है, ठीक है। वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे, मतलब वो एक दिन में कितना काम करती है, तो कितना काम करेगी, 1/x करेगी ना। देखो, अगर हम कोई काम 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में निकालने के लिए हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/2। तो एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं, तो कितना आ गया ये, 1/2। मतलब अगर हम किसी काम को 2 दिन में कर रहे थे तो एक दिन में हमने कितना किया, आधा काम किया ना। इसका मीनिंग ये आया ना, अगर हम कोई काम 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4 पार्ट कर रहे हैं ना उसका, ठीक है। जो भी काम था उसका 1/4 पार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ये किया है मैंने, अगर हम किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं तो हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/x काम कर रहे हैं ना, ठीक है। जो भी काम है उसको अगर 1 से डिवाइड कर दे तो एक दिन का आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमने किसी काम को 2 दिन में किया तो एक दिन में कितना किया, 1/2। 4 दिन में कोई काम किया तो कितना किया, एक दिन में 1/4 पार्ट करा उसका। तो इसी टाइप से अगर हमने किसी काम को x दिन में किया है तो एक दिन में कितना काम किया हमने, 1/x पार्ट किया उसका, ठीक है। ऐसे ही मैन का निकालेंगे, मैन का कितना आ जाएगा, एक दिन का काम 1/y आ गया, ठीक है। ये एक वुमेन का एक दिन का काम है, एक मैन का एक दिन का काम है, ठीक है। अब ये बताओ, इसने देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, 2 वुमेन लेनी है और 5 मैन लेनी है, ठीक है। ये तो एक वुमेन का काम है, ठीक है। 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 वुमेन का काम हो गया, ठीक है। और प्लस में कितने लेने हैं, 5 मैन लेने हैं। ये तो एक मैन का काम है और 5 मैन का कितना हो जाएगा, ये 5 मैन का काम हो गया, ठीक है। टोटल काम इतना हो गया। और ये कितने दिन में कन्वर्ट फिनिश करते हैं उसको, 4 दिन में कन्वर्ट फिनिश करते हैं काम को, 4 दिन में फिनिश करते हैं ना, ठीक है। ये बताओ पहले, ये चीज़ क्या आई है हमारी, जितना काम कर रहे हैं एक दिन में, वर्क पर डे है ना ये हमारा, काम कर रहे हैं एक दिन का काम है ना ये हमारा, तो ये हमारा वर्क पर डे, ये चीज़ है हमारी, ठीक है। अब ये बताओ, वर्क पर डे है ना, अब ये बताओ एक काम को कितने दिन में किया उन्होंने, 4 दिन में किया, इन दोनों ने मिलके एक काम को 4 दिन में किया है ना, ठीक है। तो ये बताओ, अब 1/4 आएगा ना इस तरफ, वर्क पर डे है तो इस तरफ भी हमें वर्क पर डे करना पड़ेगा। देखो, ये चीज वर्क पर डे है तो ये भी वर्क पर डे होनी चाहिए। वर्क कितना, एक काम किया हमने और कितने दिन में किया उसको, 4 दिन में, 4 दिन में एक काम को किया है। तो फिर वही बात है, यही वाली जो बात थी हमारी कि अगर हम किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना किया हमने, 1/2। यही है, अगर हम किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना किया हमने, पर डे कितना किया, 1/4। तो यही किया है मैंने, पर डे कितना आ गया उसका, 1/4 आ गया। 4 डेज में कन्वर्ट कर रहे थे ना फिनिश, तो 1/4 आ गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आप सेकंड लिख लोगे, अब की बार कितनी वुमेन लेनी है, 3 वुमेन, तो 3 वुमेन कितना काम करेंगी, 3/x एक दिन में, ठीक है। और 6 मैन कितना करेंगे, 6/y, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, अब ये कितने दिन में काम किया उसने पूरा, 3 दिन में किया है, तो एक दिन में कितना काम किया उन्होंने, 1/3 काम किया, ठीक है। और ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। लिख लिया है मैंने यहाँ पे, देखो ये दोनों इक्वेशन मैंने फिर से लिख ली यहाँ पे। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया हमारा एक्सरसाइज का। 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, इसमें पुट कर दी 2u + 5v = 1/4, 3u + 6v = 1/3। ये दो इक्वेशन बन गई, 3 और 4 मान लिया इसको।
इसमें फिर मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया है, एलिमिनेशन यू का कोफिशेंट इक्वल कर लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 6 6 हो जाएंगे दोनों का कोफिशेंट, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दी। अभी कोफिशेंट चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि साइन सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 माइनस 12 3 हो गया। अब ये देखो 3/4 है इस तरफ, ये माइनस का 2/3 है, लिख दिया हमने 3/4 माइनस 2/3। अब दोनों का एलसीएम कितना आ रहा था, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है 12 एलसीएम ले लिया। 4 3 कितने होते हैं 12, और फिर जो 3 आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई था 9, 3 4 12, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो गया, 9 माइनस 8 1 हो गया 12 डिवाइड में, अब ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ आ गया 36 हो गया, ठीक है। अब ये वी की वैल्यू हम किसी में पुट कर सकते हैं, तो मैंने कौन सी इक्वेशन में पुट कर दी इसको, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया है। फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे हम वी की वैल्यू को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 1/36 = 1/3, ये 6 से 36 कैंसिल हो गया, 1/6 बचेगा, इक्वल टू 1/3 चल रहा है, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 6 एलसीएम आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, कितना होगा ये 1/6 हो गया, और ये 3 नीचे जाएगा तो 1/18, तो यू की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। अब फिर यू और वी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, 1/x इसके इक्वल आ गया 1/18 के, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स की वैल्यू आ गई 18, या 1/y इक्वल आ गया 1/36 के, और y की वैल्यू आ गई 36, तो इसका मतलब x कितना आया 18, तो इसका मतलब एक वुमेन कितने दिन में काम पूरा करती है 18 दिन में, और एक मैन कितने दिन में काम पूरा करता है 36 दिन में काम पूरा, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पार्ट 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखो क्या कह रहा है ये, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। देखो क्या है, रूही जो है वो अपने घर जाती है, आधा डिस्टेंस वो किससे करती है, मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से करती है, और कुछ डिस्टेंस वो बस से करती है, ठीक है, आधा नहीं, वो बताएगा कि कितना कर रही है, तो मतलब वो घर से अपने घर के लिए जाती है, तो क्या करती है, थोड़ी दूर वो ट्रेन से जाती है, फिर थोड़ी दूर वो बस से जाती है। आगे देखो क्या कह रहा है, सी टेक्स 4 hours, वो 4 घंटे में पहुंचती है घर, अगर वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, और जो बचा हुआ है वो जाती है बस से, तो एक कंडीशन यहाँ तक पूरी होगी। अगला देखो, अगर वो इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ बस से जाती है, तो वो 10 मिनट ज़्यादा देर में पहुंचती है, मतलब 4 घंटे में पहुंची थी ना पहले, तो अब की बार वो 10 मिनट और ज़्यादा लेगी, तो इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट में पहुंचेगी, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की और बस की, तो क्या मान लेंगे हम, स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली हमने x, और स्पीड ऑफ बस मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लिया हमने, तो इसलिए यही लिखना पड़ेगा पीछे। इसके बाद एक बात देखो पहले ध्यान से, टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 300 किलोमीटर जाना है उसको, तो डिस्टेंस तो टोटल कितना है उसका 300 किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, उसने कितने घंटे लिए, 4 घंटे लिए, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और बचा हुआ बस से गई, तो बताओ बस से कितना गई, 300 में से 60 घटा दो, कितना बचा 240, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर तो ट्रेन से गई है और 240 वो बस से गई है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए। इसमें बताओ ये फॉर्मूला यूज़ होगा, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने टाइम को यहाँ लिख लिया, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम बस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताओ पहले तो उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस किया, ट्रेन से किया उसने 60 किलोमीटर, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स, यही है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस लिख दिया और नीचे हमने स्पीड लिख दी, ये तो हो गया ट्रेन का, प्लस में अब बस का लिखते हैं, बस का बताओ बचा हुआ उसने बस से किया, कितना बच गया 300 में से 60 तो जा चुका, तो 240 बचा ना, 240 उसने बस से किया है, अब बस की स्पीड कितनी है, ये तो डिस्टेंस हो गया बस का, अब स्पीड भी आएगी नीचे, स्पीड कितनी है बस की वाई, ठीक है, तो ये बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आया क्या है, टाइम आ गया ना, ये आ गया ट्रेन का टाइम और ये आ गया बस का टाइम, तो टोटल टाइम हो गया, ऐड करके कितना होगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना दिया इसने, दोनों का मिला के कितना टाइम लिया है 4 घंटे, तो किसके इक्वल आ गया ये 4 के, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही अब आपको सेकंड लिखनी है, देखो सेकंड में क्या करेंगे हम, यही लिख देती हूँ, देखो सेकंड में क्या कह रहा है ये, अगर वो जाती है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब की बार ट्रेन का कितना है 100 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं ऊपर हम, तो 100 किलोमीटर ट्रेन का हो गया, और ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स, ये एक्स स्पीड होगी, प्लस में अब बचा हुआ किससे जाती है बस से, तो बताओ 100 हटाने के बाद कितना बच गया बस का,
300 में से 200 बच गया ना, 200 हो गया, ठीक है। और बस के लिए स्पीड कितनी है वाई, ठीक है। ये टोटल टाइम हो गया उसका इक्वल टू में टोटल टाइम। टाइम देखो इसने क्या कहा है, सी टेक्स 10 मिनट लोंगर, 10 मिनट ज़्यादा लेती है वो, ठीक है। तो बताओ 10 मिनट, 4 घंटे तो हैं ही, 4 प्लस 10 मिनट है। देखो ये हावर में है और ये मिनट में है, पहले हमें इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ हावर में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो प्लस में मैंने सीधा ही लिख दिया यहाँ पे 10 डिवाइड में 60, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या आ गया ये 4 प्लस में 1/6। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 6 LCM आएगा, ठीक है, 6 LCM आ गया। अब इसको 6 को 4 से करोगे कितना आएगा, 24, और प्लस में 1 आपका चल रहा है तो कितना आ गया ये 25 डिवाइड में 6। तो ये वाली साइड कितनी आ गई, 25 डिवाइड में 6 सोल्व करके आपकी, और ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, मैंने इसको दोबारा लिख लिया है दोनों इक्वेशन को पीछे से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी 60u + 240v = 4, ये हो जाएगी 100u + 200v = 25 / 6, ये 3 और 4 इक्वेशन आ गई। अब हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, इसमें बताओ इसका कोफिशिएंट इक्वल करना है, इसको किससे कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से कर देंगे, 3 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 600 हो गया, ये 400 हो गया, ये 40 हो गया, इसको 6 से करेंगे 600, 1200, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 25 बच गया। फिर साइन अलग अलग करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गए, ये 1200 वी बच गया, ये हो गया 15, ये नीचे चला जाएगा, कैंसिल आउट होके 1/80 आ गया, वी की वैल्यू आ गई। वी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैंने पुट कर दिया इसको थर्ड इक्वेशन में, 60u + 240 वी की वैल्यू है 1/80 = 4, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 3, ये इस तरफ आके माइनस का 4 - 3 1 हो गया, और 16 नीचे चला जाएगा, ये u की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आई थी। अब 1/x किसके इक्वल था, u के इक्वल, तो 1/60, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई से, 60, और 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/80, तो y की वैल्यू आ गई 80। तो ये होगी हमारी, x क्या थी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।